मुझे नहीं पता क्यों पिछले दो दिन से बहुत ही अच्छी नींद आ रही है। ऑल दो लेट आ रही है पर अच्छी आ रही है। या कहो कि मैं लेट सो रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो। अब ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। ऑल दो मे भी इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी थोड़ा सा शेड्यूल पकड़ने में टाइम ले रही है। बाय द वे सो करंट अपडेट ये है कि यार देखो, अब स्टॉक लिया तो था जिस उम्मीद थी, जैसी कलेक्शन सोची थी कि हमने बहुत अच्छी कलेक्शन ले रहे हैं, वैसी सेल नहीं हुई। अब ऐसा तो नहीं है स्टॉक बच जाएगा, स्टॉक निकल जाएगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। स्टॉक तो हम निकाल देंगे, असॉर्टमेंट में निकालेंगे किसी भी तरह का, मतलब थोड़ी सी बैक ऑफ द माइंड, पर थोड़ी सी बैक ऑफ द माइंड टेंशन होती है कि यार नहीं निकला तो निकल जाना है, पर नहीं निकला तो बिकॉज जब तक निकलेगा तब तक कैपिटल हाथ में नहीं आएगी, अगर कैपिटल हाथ में नहीं आएगी तो आगे का नया माल परचेज कैसे किया जाएगा। दिस इज द वन वर्स्ट थिंग राइट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूँ भी कि क्या करा जाए, जैसा भी करा जाएगा जल्दी करा जाएगा, आखिरकार जो करा जाएगा वो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसी बात के साथ वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। लेट भर आया तो कितने घटिया लोग हैं यार, मेरे दोस्तों की जगह भगा दी। पुष्पेंद्र जुष्पेंद्र सारे बैठते थे वहाँ पे, इन्होंने वहाँ पे ये लगा दिए एग्जॉस्ट फैन का, हट यार काम खराब कर दिया। क्या पागल है यार, पास कर। वाओ आज मेरा बेड कितना प्यारा लग रहा है। अब हाँ, आज मेरा बेड कितना प्यारा लग रहा है। ओए आप मानोगे नहीं, सुबह से ब्लॉगिंग नहीं करी, बाहर से अंदर आया काम में लग गया। थोड़े बहुत केसेस थे, यानी कि वही जिन्होंने पैसे खाए। मैं सोच रहा था कैसे उस चीज़ को कवर करें, कवर करने की कोशिश करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। सुबह से ब्लॉगिंग करी, शाम को दोपहर को ब्लॉग एडिट करा खाना खाते और सो गया। थकान इतनी हो रही है ना अभी, अलग है। मुझे लगा पूरे दिन सो सो रहेगा, थोड़ी देर और सोऊंगा। अपने व्लॉग की क्वालिटी थोड़ी घटानी है। मैम इसका प्राइस भी मेरे है। अबे चल निकल यहाँ से। इसका प्राइस क्या है? जस्ट व्हाट इज प्राइस इसका भी? ये इसने उसके ऊपर बनाया, क्या कहते हैं इसे, इस पर ऑमलेट बनाते हैं, फ्राई पैन। ये तो ले कर दी चाय की प्लेट खराब, दो कप आते थे उसमें, ऑटो बना दिया। ये सही है यार, कबाड़ी की दुकान पे बैठ जा, अमीर हो जाएगी। मैं जो झुकते मारूंगी ना तुझे मैं। खैर जैसा भी, अब जाके नींद खुल गया है एंड बहुत दिनों बाद दोस्तों आज हमें देखने को मिल रही है धूप। धूप पाओ फटा धूप, मतलब आई मीन टू से सूरज देवता आ चुके हैं बाहर। इसी बात पे पार्टी चाहिए आज तो। फिलहाल चलते हैं जॉगिंग करने के लिए, फॉर द बेस्ट। मन सा नहीं कर रहा, पर ये जो जॉगिंग जाने से पहले कि 15 मिनट होते हैं ना, बहुत मुश्किल होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को पुश करना। नहीं यार चलो, पर हम तो किसी ने बहुत सही कहा, बच्चा है कुछ भी मार तो माफ किया। जॉगिंग करने के लिए निकला था, मम्मी ने कहा आलू टमाटर लिया, चलो ले गया। मौसम कितना खुल गया, देखो अगर आपको कॉल कर दूँ। खुल गया देखा देखा।
चार तुषार जाएंगे परिक्रमा करने, एक्सरसाइज हुई अच्छी हुई, क्योंकि आज कोई भी मेरा ऐसा बंदा साथ नहीं था जो मुझे एक्सरसाइज नहीं करने देता है ना, तो मेरी एक्सरसाइज हुई अच्छे से हुई। कहना क्या चाहते भाई? बेसिकली एक्सपल्स ये रही रेड कलर की, काश इस दिवाली आ जाए, उम्मीद तो पूरी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, भगवान हमारे साथ है मुझे पता है वो हमारी सुनेगा, ऑडियंस प्यार दिखाएगी तभी, ऑडियंस तो प्यार दिखा रही है। और ये बादल दे, ओए बादल भाई, ओए होए होए होए, ये बादल कटवाए यार, ये देखना अबे चल चुप रहा है। टाइप करता हूँ, ठीक है ना, मैं टाइप करके बताने वाला था क्या क्या कैसे हुआ, लेकिन अब मेरे को लगा कि मैं बोल के बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं, मैं और तुषार, हम लोग हमेशा ऐसे लेके निकलते हैं स्कूटी लेके, हर रोज़ का हमारा देखते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, बातें बातें करते हैं, अपने अच्छा लगता है, फ्रेश माइंड होते हैं, एंड अपन बात बात करके वापस घर आ जाते हैं आधे एक घंटे में, दो घंटे में, जब भी टाइम लगता है। तो जब हम ऐसे घूमने के लिए निकल रहे थे तो एक लड़की फ़ोन पर बात करते हुए चल रही थी, ये साथ पे, आई डोंट नो, रानी नाम था उनका, तो ऐसे बात करते हुए चल रही थी, एंड वो टी वी एस अपाचे पे एक लड़का आया ब्लैक कलर का, उस वो लड़की बात कर रही है, फ़ोन ऐसे छीना और फ़ोन गया, फोन वॉज टोटली गॉन। तो बेसिकली ये अपाचे भगा 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 आराम से, चल चल ले 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 इसके पीछे ले ले, रोक चोर चोर, अबे चोर चोर, ले 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 ले, रोक इसे, ये रुकेगा नहीं, अब नहीं रुकेगा, ये रुकेगा ही नहीं है, ले गया यार बेचारी लड़की का फोन ले गया यार, अभी अपने इलाके में चला जाएगा, आराम से भगा, तू कभी हमें ठुकवाए यार, ब्रेक रुक, आराम से चला, आराम से क्या चला यार, चोर को पीछा करता यार बेचारी लड़की का, मेरा तो पहले ही चला गया था, अच्छा वो खींच रहा था, ओए ओए तब ओए ओए हट जा ना, आराम से कोई नहीं, अपनी जिंदगी भी प्यारी है, मतलब गाड़िया 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 गया भाई, गया निकल गया, निकल गया ब्रो, गया, अब नहीं मिलना, अब नहीं मिलना, अरे चाचा नहीं मिलना, चाचा वो नंबर नोट करा था, नहीं करा, वीडियो में आया हो, ब्लॉग में आया होगा नंबर, बेसिकली नहीं मिलना, उस लड़की के पास ले ले तू, उस लड़की के पास ले ले, लड़की के पास तो ले लूँगा, दो सेकंड एक बारी और चोर मेरे आगे, भाई हटना यार, एक भाई चोर जा रहा है यार, अरे हटना चाचा, फोन करे भाई, रुक जा यार, नहीं रुक, अबे नहीं मिलेगा तू यार, छोड़, नहीं मिलना भाई, दिमाग का काम कर, उस लड़की के पास ले ले, नहीं मिलना, और गया गया भी होगा तो उस साइड ही चला गया होगा, क्या कहते हैं डीएलएफ वाली साइड, अंदर जो है कॉलोनी है, डीएलएफ के पीछे कॉलोनी नहीं है, आराम से आराम से, ओली ओली बाइक होती है पकड़ लेता यार इसको, लड़की का ले गया यार, बाइक होती ना वो पता है कहाँ रुकेगा, ये बंदा अपनी स्पीड स्लो करेगा, अभी थोड़ी देर में देखिए पक्का करेगा, वो वहीं पकड़ा जा सकता है, वो वहीं, अगर वो जो लोग सामने आए थे अगर वो रोक लेते, पर वही है ना, जनता को देखने में मजा आता है, समझते हैं नहीं वो अपनी को, भाई बात ऐसी है, अगर कोई भी ऐसा दिखे प्लीज रोक लो, मेरे साथ खुद हो चुका है, मैं आज इसलिए पहली बार भगाऊं मैं, अरे मेरे तो ध्यान गया, मैं चीनता हुआ भगा, मैं कह रहा हूँ मैंने खुद इसको रोका है, मेरे पास स्कूटी नहीं थी उस दिन, मेरा फोन पैदल चोरी हुआ था भाई, बहुत गलत होता है, और इवन दो मैं तो आप लोगों को एक बात, लड़की बिना चप्पलों के भग रही थी यार, बिना चप्पलों के भग रही है, और मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, घर जाके बताता हूँ, कुछ तरीके होते हैं फोन यूज करने के सड़क पे, अब मैं तो करता ही हूँ, मेरा तो ब्लॉगिंग का काम है, पर तरीका होता है, ऊपर से यार एक तो लोग इतने चोर चोर चिल्लाते नहीं रोकेंगे भाई, ये भारतीय जनता है, इनको अपने पहले निकलने की है, पहले निकलने की, और इन्हें अपने मजे लेने की है, ये नहीं देखते किसी का फोन चोरी होके भग रहा है,
कुछ नहीं हो सकता भाई। लड़की होगी बेचारी यार। हाँ लड़की तो वही होगी भाई, वो उसको लग रहा है कि हमें लेकर आएंगे, उसको हम लेकर आएंगे यार। चल तू चल उसके पास को लेके चल भाई, क्या स्कूटी चलाई है इस बंदे ने। मिला यार रो मत, किसे रोके रोके करवा दे, घर चले जाएगा। मैं पीछे भगा, मैं पकड़ नहीं पाया उसको। अच्छा वीडियो कर लिया, वीडियो बना लिया। मैं तो व्लॉगर हूं, मैं तो हूं YouTube पे डालता हूं वीडियो। आप घर पे फोन तो करो, आप घर पे फोन करो, YouTube पे डाल दो। आप घर वाले फोन नहीं उठा रहे क्या? घर वाले फोन नहीं उठा रहे। कहां हो, कहां से आप? आप नंबर बोलो, यहीं पर रहते हो? मैं वहीं पे गया था, मैंने दिल्ली से, मैंने आपकी देखूं, मैं रिएक्शन में तो पकड़ लेता हूं। नहीं अरे भैया बहुत तेज, अच्छा जनता भी तो पागल है ना, चिल्लाते हुए जा रहे हैं पीछे से, कोई नहीं रोक रहा। हम बात करते हैं आप, हम सीमा पुरी तक गए उनके उसके पीछे। ये आपका फोन है, आप नंबर दो, नंबर तो बताइए। आप जितना लेट करोगे उतना फोन मिलने में टाइम लगेगा। नंबर दो, अभी हाथों हाथ ट्रेस हो जाएगा। अरे आप नंबर, अरे नंबर याद नहीं है क्या? याद ही नंबर, पापा घर पे नहीं होंगे। आपको नंबर याद है? आप नंबर तो बताइए, पापा का नंबर बताओ, नंबर बताइए मैम। 9971 मैम आप नंबर बताओ। टेंशन मत कीजिए, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, खड़े होके वरना रोते रहोगे। रोते रहोगे अब गया, अब गया भी वो ट्रेस हो जाएगा, पकड़ लेंगे उसको। 9971 बढ़िया जनता है। 7705 अब अरे डांटेंगे यार कैसे, बच्चों को डर लगना चाहिए। अब ये इनकी भी गलती है, अकेली सड़क पे इस हाथ पे पकड़ के बात करते हैं है ना। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखा करो, जब भी आप चल रहे हो जिस साइड की सड़क है उस जेब में तो फोन रखो ही मत, ना ही वॉलेट रखो। मैं बता तो रहा हूँ अपने ट्राइपॉड वगैरह के साथ, पर इट इज लाइक मैं उसके बाद ब्लॉग नहीं करा। मेरे और तुषार के दिमाग में ना कंसिस्टेंसी की बातें घूम रही थी, जब हम जस्ट पहुंचे ना लाइक उस बाइक वाले का पीछा करके लाइक पूरा हार मान के, तो इट वॉज लाइक कि यार उस लड़की ने हमारी तरफ ऐसे हाथ किया भैया मेरा फोन। तो मेरे और तुषार हम ये डिस्कस कर रहे थे पूरे रास्ते, यार ये वो इमेज आ रही थी हमारे माइंड में। तो तुषार ये वीडियो देख रहा था तो खैर समझ ही पा रहे होंगे, आप लोगों में से किसी का भी फोन चोरी हुआ है कभी तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। यार मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा, देखो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा ना हो, बट ऐसा हुआ है दैट हाँ मैंने वैसे लापरवाही बरती है फोन्स को लेके, जैसे अभी वन प्लस को लेके बरती थी, लैपटॉप को लेके तो एक एक्सीडेंट थी, लापरवाही जो थी सिर्फ मेरी आज तक वन प्लस रही है, वरना आई हैड लाइक मेरे पास बहुत फोन्स, मतलब 11th क्लास में फोन मिले थे तब से मैं 8-9 फोन यूज़ कर चुका हूँ, एंड महंगे महंगे भी करे सस्ते सस्ते भी करे, कुछ तारीफ नहीं कर रहे हैं, बड़ाई नहीं हो रहा, मैं सिर्फ एक जनरल भाव बता रहा हूँ। तो बींग अ दिल्ली वाला बंदा, मेरे को हमारे मामा जी ने बहुत चीज़ें बताई थी फोनों के बारे में, ठीक है वो चीज़ें मैं आज आपसे बताऊँगा। मामा जी ने हमें समझा रखा है, इवन दो बिकॉज मे बी ही लिव्स इन दैट सोसाइटी ही नो मच बेटर, और कई लोग होते हैं ना जिनको एक्सपोजर होता है इन चीज़ों का, उनकी वो एज थी जब ये चीज़ टॉप पे थी, अब तो कम हो गई तो उन्हें पता था। तो बेसिकली क्या होता है जब भी आप फोन रखते हैं या कहीं पे भी मेट्रो वगैरह में जाते हैं या मॉल में जाते हैं किसी या भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो जस्ट ट्राई कि आप अपना लैपटॉप बैग या जो भी आपके इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं उनको आगे ले आए, मतलब इट इज लाइक आपने यहाँ रखें, वॉलेट वगैरह इनमें शिफ्ट कर लो, फोन इसमें शिफ्ट कर लो, या आप बस वगैरह में जाते हो तो कोशिश करो फोन आपकी जेब में टोटली फाइन, बट उस फोन के साथ वायरलेस ईयरफोन कनेक्ट ना करके, वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट करोगे दैट वुड बी मच बेटर, कुछ भी हरकत होगी तो यू विल गेट टू नो, चुटकी बजाती। ये दो चीजें बहुत, क्योंकि क्या होता है कई बार लोगों आपके आपको लगेगा आपका फोन आपके बैग में, मेरा तो फोन पीछे सेफ है, बंदे क्या करते हैं नीचे से ब्लेड मार लेते हैं और वो सामान नीचे से निकल जाता है, और ऐसा होता है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। फिर कई बार होता है कि हम सड़क पे चल रहे हमारा फोन स्नैच हो गया, फोन स्नैचिंग जिसे कहते हैं, तो सड़क पे चलते टाइम कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको क्या करना है एक चीज करनी है वो ये है, जब भी आप चल रहे हो सड़क देखी जिस साइड की सड़क है उस साइड से फोन निकाल के दूसरी साइड रख लो, कुछ नहीं करना, 2 मिनट लगने, फोन इधर निकाल के इधर रख लो बस, ये सबसे पहला स्टेप करना है। कोई फोन कॉल आता है तो जिस साइड सड़क है उस साइड तो आपको बिल्कुल नहीं सुनना, बेशक आप राइट ही हो या लेफ्ट ही हो, आपको फोन निकालना है इस वाले कान पर सुनना है। बहुत लोग क्या करते हैं जोश जोश निकालते हैं, आ जा बेटा भाई मिल रहे हैं, ठीक है मिल लेगा लेकिन थोड़ा सा संभाल के चलो, इसको इधर लेके आओ दैट वुड बी मच बेटर। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप अपने फोन को बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं, दैट वुड बी मोर इजी, ठीक है ना। लेकिन जब एक बार दिल्ली में फोन चोरी जाता है तो मिलना मुश्किल होता है, पर मिल जाता है तो अपने गूगल आईडी और गूगल आईडी का पासवर्ड जरूर याद रखो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप किसी भी एंड्रॉयड फोन में एक ऐप है दैट इज फाइंड माई डिवाइस गूगल की सपोर्टेड, उसको जाओ
वहाँ पे लॉग इन करो, आपके फ़ोन की एक्जैक्ट लोकेशन आपको बता देगा, एंड यू कैन लॉक योर फोन, यू कैन हैव अ बीप 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 साइरन उसके, इसमें आईफोन वालों को तो पता ही आया है, इसमें तो बहुत पहले से ऑप्शन है, ठीक है। और इन दी एंड कोशिश करो कि इन सब चीज़ों को करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पहले ही अपने सख्ती या कहो कि फ़ोन वगैरह ना उठाओ, कहीं बाहर हो सड़क पे चल रहे हो तो ईयरफोन का यूज़ करो, वायरलेस का करो, एक साइड का निकाल लो एक साइड का लगा लो, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। तो यार ये जो आज केस हुआ बेसिकली हम पकड़ नहीं पाए, या कहो कि यार हम एक स्कूटी में दो थे, 110 cc की स्कूटी है और वो भाई बाइक है पिकअप सब में, बट तुषार ने बहुत अच्छी ड्राइव करी है, लाइक मैं क्लैप भाई, मेरी मैं सब बता दूँ मेरी फट रही थी पीछे बैठे बैठे, पर ही वॉज लाइक क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया। जैसा भी है आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ कि पसंद आएगा, पसंद नहीं आएगा इट इज लाइक कि आप लोगों ने सीखा ना, आप लोगों ने सीखा बस। और देखो अगर फोन चोरी हो भी गया ठीक है, बेटर है कि रो मत यार, जितने भी यंगस्टर ये वीडियो देख रहे हैं मैं एक बात बताता हूँ, बेटर है कि रो मत उस वीडियो को ले, उस चीज को लेके, जस्ट एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट योर फादर, कॉन्टैक्ट योर मदर, जस्ट ग्रैब द बॉक्स और फोन जिसमें कि आपके पास IMI नंबर होगा, आप अकेले जाओ पुलिस स्टेशन कंप्लेन कराओ, सिंपल। बिकॉज इतने में चोरी होगा, इतने में आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाओगे, उसको स्विच ऑफ करने का कुछ टाइम नहीं मिलने वाला, आजकल के फोन तो वैसे भी स्विच ऑफ होने से पहले पासवर्ड मांगते हैं, है ना, पर एक बार वहां जो स्विच ऑफ हो गया सिम निकल गई दैट विल बी इम्पॉसिबल। तो थोड़ा सा जल्दी पर तो होपलेस मत हो, देखो चोरी हो गई इस चीज में, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फ्यूचर खराब हो गया या आपका आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है, ये सब एक्सीडेंट का केस है, ठीक है, इस चीज पे आपका भी कंट्रोल नहीं हमारा भी नहीं, बस वी कैन जस्ट हैव अ प्रिकॉशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। मैं भी जब व्लॉगिंग करता हूँ मैं बहुत, आप मानोगे नहीं, मैं हमेशा उससे हैंड से व्लॉगिंग करता हूँ जिस साइड सड़क नहीं है, मैं हमेशा से आदत है आई विल बी लाइक दिस एंड मेरा हैंड जो स्कूटी पे होता है वो हमेशा इस साइड होता है, मैं ऐसे व्लॉग कर रहा होता हूँ ऐसे कर रहा होता ताकि अगर कुछ हो तो आगे जस्ट वू ग्रैब इट राइट, मैं मतलब मेंटली प्रिपेयर, ऑल दो मेरे पास अब DSLR कैम है इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, पर तब भी कई बार ऐसा होता है कि जो क्वालिटी हम शूट करना चाहते हैं दैट इज मच प्रेफरेबल विद फोन, यानी कि मेरा OnePlus 9 ना DSLR कैम से होने, तो चाहे ऐसा भी आज कल लोग कह सकते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस ब्लॉग से सीखने को मिला होगा, ठीक है। हमेशा की तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी भी मत घबराइए, आपका अपना युवराज सिंह तोमर।